हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये स्क्वायर फिट के नाम से सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटर है, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है। कोई भी पिक्चर हो जो कि लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट में हो, उसको आप स्क्वायर उस पर फिट कर सकते हो। रेशियो के लिहाज से भी उसको सेट कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर उठा लेती हूँ, ये वाली देखिए, ये उठा ली मैंने, ये पूरी स्क्वायर में है अभी, और उसमें मैं फ़िल्टर लगा सकती हूँ, उसका रेशियो सेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने उसको सेट कर दिया मुझे कैसी चाहिए पिक्चर, ये देखिए ऐसी थी, और फिर मैंने इसको ऐसा कर दिया कि इसमें फ्रेम सेट कर दिया, बॉर्डर लाइन सेट कर दी, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये कर देती हूँ। वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन है, उसके बाद इसका रेशियो आप सेट कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, फेसबुक के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। उसके बाद आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो कि आपको पिक्चर का कौन सा पार्ट चाहिए, रोटेट कर सकते हो उसको। और ये देखिए, इसको हमने सेट कर लिया कि हमें ये पार्ट चाहिए खाली पिक्चर का, और हमें यही शो करना है, बाकी चीज़ें इररिलेवेंट हैं, तो हमने इसको सेट कर दिया, हमारा वो पार्ट आ गया। मतलब पिक्चर पहले कैसी थी और अब कैसी होगी, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। उसके बाद हम इसमें स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं, आपको डाउनलोड भी करने पड़ेंगे, कुछ कुछ उसमें हुए हुए हैं डाउनलोड पहले से। उसके बाद ये देखिए, उसके हम लाइट शेडो डाल सकते हैं कहीं से भी, जिस डायरेक्शन में आपको डालना हो आप वो सेट करके डाल सकते हैं। ये देखिए, तो वो उसके कंट्रास्ट के लिहाज से वो उस लाइट को उस तरह से सेट कर देगा। उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कम दिखाना है या ज़्यादा दिखाना है, और अगर स्टिकर्स दिखाने हैं हार्ट टाइप या कुछ, तो वो भी आप उसमें सेट कर सकते हैं। ये पिक्चर बहुत डार्क है तो उसमें दिख नहीं रहा, बहुत लाइट पिक्चर होगी तो उसमें आपको शो हो जाएगा, या आपकी कोई पिक्चर होगी जिसको आप एडिट करना चाहें तो उसमें भी आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। इस पिक्चर में इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। उसके बाद ये देखिए, इसमें फ़िल्टर्स हैं, इसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड के फ़िल्टर्स हैं बेसिकली, कि आपको बैकग्राउंड में किस तरह के चाहिए तो ये उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये देखें तो हम बैकग्राउंड के पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बैकग्राउंड पिक्चर को चेंज करने के, तो हम इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है, ये भी बैकग्राउंड पिक्चर का ही है कि आप, अच्छा दूसरा ये टेक्स्ट का है, टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। मैं स्मार्ट ऐप लिख रही हूँ जो कि हमारे चैनल का नाम है, उसके बाद मैं इसमें कलर चेंज कर देती हूँ, और उसके बाद मैं फॉन्ट भी इसका चेंज कर देती हूँ और इसको सेट कर देती हूँ। ये वाला कर लेते हैं, इसको आप साइज़ भी इसका छोटा बड़ा करके इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे इसमें फ़िल्टर के, एडिटिंग के ऑप्शंस हैं पिक्चर के, जो कि आप लगा सकते हैं। ये देखिए, फ़िल्टर चेंज हो रहा है पिक्चर का, बैकग्राउंड का नहीं पिक्चर का फ़िल्टर चेंज हो रहा है ये, उससे पहले वाला जो था वो बैकग्राउंड का था। उसके बाद ये देखिए, इसमें पिक्चर रोटेट करने का, फ़्लिप करने का, अप एंड डाउन फ्लिप करने का, राइट एंड लेफ़्ट फ्लिप करने का, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और फ्री रोटेट करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर पसंद आए और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खुदा हाफिज़।